वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो सर्कल कर रहे थे कि हमें एनवीपी की जो हायरिंग प्रोसेस है उस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 8 to 9 मंथ्स लगते हैं। और सबसे पहले आपने जब अप्लाई किया है तो जब जैसे आपकी आपको एक ऐड मिलता है तो आपको FSC की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। उस अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के बाद आपको एक मेल रिसीव होती है जिसमें आपको आपके ऑनलाइन टेस्ट का जिक्र किया जाता है। फिर आपको टाइम दिया जाता है 1 to 2 days और समटाइम्स जो है वो 7 days का भी टाइम होता है। आपको जो मेल रिसीव होती है उसमें आपको एक लिंक दिया जाता है और उस लिंक पे आपने जाके टेस्ट देना होता है, ठीक है। आपको आपको 1 घंटा दिया जाता है, उसमें आपने आप 60 क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने सॉल्व करना होता है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस पे बेस कर रहे होते हैं, आपकी मैथ पे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने आपके लिए होते हैं और कुछ जो है वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आप जैसे आप टेस्ट उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको तकरीबन फिर से यही ड्यूरेशन होता है कि आपका 1.5 से 2 मंथ होते हैं उसके उसमें आपने जो है आपको फिर से दोबारा से एक FSC की तरफ से मेल रिसीव होती है कि आपने आपकी ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है। उसमें उस मेल में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसकी आप जिसके फेवर में या फिर आपने अगेंस्ट में बोलना होता है। तो उस डिस्कशन के बाद डिस्कशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे आई बटन में देख सकते हैं। मैं बाकी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपकी डिस्कशन हो जाती है तो फिर भी अभी ही आपका जो है वो आपको एक फिर से मेल रिसीव होती है और तब आपको मेल जो मेल रिसीव होती है वो समटाइम्स ये होता है कि वो FSC की तरफ से होती है या NBP के एक HR जो उनका HR है वहाँ से कोई ऑफिसर आपको मेल करता है कि आपका आप ग्रुप डिस्क वो आप डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने सबमिट करवाएं। डॉक्यूमेंट्स में आपसे वो क्या क्या रिक्वायर करते हैं, समटाइम्स ये होता है कि वो आपको सिर्फ आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको शेयर करने के लिए कहते हैं। समटाइम्स आपको वो साथ में आपको एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है वो दे देते हैं, उसको फिल करके देना होता है। और समटाइम्स आपको CV भी रिक्वायर करते हैं। तो हर दफ़ा ये लाइक सेम चीज सेम प्रोसेस होता है। तो वो आपसे जो रिक्वायर करते हैं वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन देनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसके बाद फिर आपका फाइनल इंटरव्यू आता है। और फाइनल इंटरव्यू जो है वो भी ये भी आपका पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल में 3 to 4 मेम्बर्स होते हैं और एक जो है वो FSC की तरफ से होता है मेम्बर, दूसरा जो है वो आपका NBP का HR से होता है और तीसरा जो है वो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आपने अपने बिजनेस पढ़ा हुआ है तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बंदा वहाँ पे होगा जो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बंदा होगा वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। आप जैसे ही फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है, ये कितने देर का होता है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। ये तकरीबन आपको जो मेल रिसीव होती है कॉल भी रिसीव होती है कि आपको आपका इंटरव्यू है अपना दिन, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे जो जूम मीटिंग है उसको ज्वाइन करना है। अगर आपको टाइम दिया हुआ है कि आपने 11 o'clock जाना है या जैसे भी आपको 12 o'clock का कहते हैं तो आप से कॉल पे भी ये मेंशन करते हैं कि आपने जो है वो अपने टाइम से 10 से 15 मिनट पहले आपने लॉग इन हो जाना है, ठीक है। और फिर साथ आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो आपसे वो क्वेश्चनिंग होती है, वो क्वेश्चनिंग आपकी 5 मिनट्स इतनी होती है। उसके बाद आपको वो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ठीक है। आपका जैसे इंटरव्यू हो जाएगा फिर उसके बाद आपको आपको वेट करना होगा तकरीबन 1.5 से 2 मंथ जो है वो आपने वेट करना होता है और फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर जो है वो इशू होता है, ठीक है। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनको आंसर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने पूछना है या आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और फिर मैं आपको उसको डिटेल आंसर करने के लिए फिर से वीडियो बना लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।